हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। क्या सोच रही हैं देवी? सृष्टि कल्याण के लिए समुद्र मंथन का प्रारंभ किया गया है, परंतु असुरों के हठधर्मी के कारण सृष्टि का विनाश सामने आ रहा है। देवगण और असुर दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। अमृत असुरों के पास है और देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि असुरों से अमृत छीन सके। असुरी प्रवृत्तियों के स्वामी ये असुर यदि अमृत पीकर अमर हो गए तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर आप क्या चाहती हैं देवी? मैं ये चाहती हूँ कि आप ही इस संहार को रोकें। जब कभी शक्ति काम नहीं आती है तो ऐसे में कभी कभी त्रिया चरित्र काम आ जाता है। त्रिया चरित्र? हाँ देवी, नारी का सौंदर्य, उसकी चालाकी समस्या का समाधान कर देते हैं। देवी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का शुभ विवाह होने के पश्चात देवता और असुर समुद्र में बच रही अन्य संपदाओं को निकालने के लिए फिर समुद्र मंथन में जुट गए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद सभी लक्ष्मी के वैभव तथा सौंदर्य के दीवाने हो गए थे, और अभी ये जादू सर से उतरा भी ना था कि समुद्र से फिर रूप और सौंदर्य का झरना फूट पड़ा। लगता है अब हम सबके भाग्य चमक उठेंगे। इतनी सारी अप्सराएं, ये तो परियों की रानी लगती है। ऐसा मदमाता सौंदर्य, ऐसी मदमाती चाल, जैसे मोरनी को मदिरा पिलाई गई हो। यह मदमस्त सुंदरी तो केवल वारुणी देवी ही हो सकती है सुराज। सच कहा आपने देवेंद्र, इतनी मदमाती मस्ती किसी और में हो ही नहीं सकती। तभी तो केवल वारुणी के दर्शनों से लोगों को नशा चढ़ रहा है। देखो सुर असुर कितने उन्मत्त हो रहे हैं। वारुणी को देखकर मन करता है कि मदिरा के सारे प्याले तोड़ देने चाहिए। आह, क्या रूप है, जैसे हिमालय के शिखरों पर ठंडी ठंडी सफेदियों पर चांदनी नृत्य कर रही हो। हाय हाय, क्या चाल है, उसका हर पग मेरे हृदय पर पड़ रहा है और मेरे हृदय को हिला रहा है। तेज से सुसज्जित देवता, आप कौन हैं? मैं धन्वंतरी हूं। और आपके हाथों में जो कलश है उसमें क्या है? इस कलश में अमृत है। अमृत, 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 जो नश्वर प्राणियों को अमरता प्रदान करता है। तो अमरता पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए, केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। हाँ, जब अमृत पर हमारा अधिकार है तो उसके बटने की प्रतीक्षा क्यों? हम अपना अधिकार खुद बढ़कर छीन लेंगे। चलो। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं असुर, अमृत छीनने जा रहे हैं। देवराज, इन असुरों को रोकना होगा, वो हमारा अधिकार बलपूर्वक छीनने जा रहे हैं। हाँ देवेंद्र, रुक जाइए सुराज, रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? वही जो हमें करना चाहिए,
हम अमृत छीनने जा रहे हैं। छीनने की क्या आवश्यकता है? समझौते के अनुसार एक के बाद एक संपदा बारी बारी दानवों और देवताओं में दी जाएगी। नहीं, अमृत केवल असुरों के लिए है, ये हमारा अधिकार है और इसे बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। हम अपना अधिकार बलपूर्वक छीन लेंगे। असुर राज, अपनी मर्यादाओं को तोड़ने का व्यर्थ प्रयास मत करो। हमारे और आपके बीच जो समझौता हुआ है उसका आदर करो। देवेंद्र, तुम हमें आदर का पाठ पढ़ा रहे हो, अपने छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहे हो। छोटा मुंह? हाँ, छोटा मुंह। छोटों का मुंह भी छोटा ही होता है और देवता असुरों से छोटे ही है। युद्ध भूमि पर इसका निर्णय हमारी तलवार ने बार बार किया है। हमने देवताओं को पछाड़ कर ये प्रमाणित किया है कि हम शक्ति, बल और युद्ध विद्या में देवताओं से आगे है। हमारी ही शक्ति से समुद्र मंथन संभव हुआ है। हमारी ही शक्ति ने दिव्य संपदाओं को बाहर निकाला है। इसलिए अब समस्त संपदाओं पर केवल हमारा अधिकार है। हाँ, हम यदि चाहें तो देवताओं को इन संपदाओं में से कुछ दान दे दें, यदि ना चाहे तो फूटी कौड़ी भी ना दें। समझे? ये तो अन्याय है। अन्याय केवल कमजोरों को सहना पड़ता है, इसलिए चुप रहो, सहो या फिर लड़ो। आप हमें चुनौती दे रहे हैं। यही समझो और हमारा रास्ता छोड़ दो, अन्यथा युद्ध यहीं से आरंभ होगा। भार्गव शुक्राचार्य, असुर बेलाभ हो रहे हैं, आप ही उन्हें समझा बुझा कर रोक सकते हैं। मैं अवश्य इन्हें रोक सकता हूँ, परंतु जब इन्हीं पर अन्याय हो रहा हो तो मेरे समझाने का प्रश्न कहाँ उठता है। भार्गव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी असुरों की भांति ना समझी से काम ले रहे हैं? मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ देवगुरु। असुरों के उत्साह में मैं बाधा डालना नहीं चाहता, वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। असुर राज, हम सारी संपदा असुर रोक ले जाएंगे। रुक जाइए असुर राज, हम एक रत्न को भी असुरों के हाथ नहीं लगने देंगे। हम हाथ नहीं लगाने देंगे। क्या अनर्थ हो रहा है? हे देवी लक्ष्मी, असुराज बलि दिव्य संपदा और अमृत पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। हाँ, ये सारी संपदाएं हम पाताल लोक ले जाना चाहते हैं। तो ले जाइए इन संपदाओं को। परंतु देवी। हे देवेंद्र, इन्हें प्रयास तो कर लेने दो। चाहिए असुरराज बलि, परंतु हे असुरराज बलि, दिव्य संपदाओं को हाथ लगाने से पहले ये जान लीजिए कि कहीं रत्नों को पाने के बदले आप इन्हें खोना बैठे। अर्थात आप हमें चेतावनी दे रही हैं? मैं तो केवल आपको सावधान करना चाहती हूँ। रत्नों को खो देने की आशंका हमारे मन में बिठाकर आप हमें सावधान कर रही है या भयभीत कर रही है? नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इन रत्नों को अपनी शीघ्रता और उतावलेपन से खो न बैठें। खो क्यों जाएंगे? हम इन रत्नों को अपनी बलशाली मुट्ठियों में जकड़ लेंगे। ये साधारण रत्न नहीं है, दिव्य रत्न है जो तामसिक प्रवृत्तियों और प्राणियों से दूर भागते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि असुरों में तमोगुण ही प्रधान है।
इसलिए यदि असुरों ने अपनी तामसिक प्रवृत्ति के अधीन होकर रत्नों को हाथ लगाने का प्रयास किया तो ये रत्न उछलकर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, अर्थात देवताओं को मालामाल करेंगे। ये तो हमारे साथ अन्याय होगा। ये तो हमसे छल है असुरेश्वर। महाराज बलि, असुरों को समुद्र से प्रकट हुई सुरा ही प्राप्त हो सकती है। हम सुरा के साथ साथ अमृत और सारी संपदा पाताल लोक ले जाएंगे। हे असुरराज बलि, मैंने आप लोगों को पहले ही रत्नों को हाथ लगाने से सावधान किया है। यदि मेरी बात का विश्वास ना हो तो कोई भी असुर इन रत्नों और दिव्य संपदाओं को छूने का प्रयास करके देख ले। हम प्रयास करेंगे असुरेश्वर, हम अवश्य प्रयास करेंगे। असुरराज, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, ये हमें भ्रमित कर रही हैं। महाराज, इससे पहले कि देवता कोई कुटिल चाल चलकर हमारा अधिकार हड़प ले, हमें इन दिव्य रत्नों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। ये माया है, कुटिल माया है, छल है। कौस्तुभ मणि तो हमारे हाथ से निकल गई, परंतु अब हम कल्प वृक्ष हाथ से नहीं जाने देंगे। ये कल्प वृक्ष कहां गया? ये स्वर्ग लोक में स्थापित हो गया है। नहीं छोड़ूंगा। अगर हम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे लिए अमृत की एक बूंद भी नहीं बचेगी।
यदि ये असुर अमर बन गए तो हम सब मारे जाएंगे, आपका सिंहासन भी वो छीन लेंगे। कुछ कुछ कीजिए देवराज, कुछ कीजिए। मातेश्वरी, अब आप ही देवताओं के हित की रक्षा कर सकती हैं। हम आपकी शरण में आए हैं महामाया महालक्ष्मी। आपकी ये लीला देखकर हमारा मन घबरा गया है। यदि ये देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं की पराजय निश्चित है मैया। ये असुर महाबलवान है। यदि असुरों ने अमृत का प्राशन किया तो महा अनर्थ हो जाएगा माता। हे महादेवी महामाया महालक्ष्मी, सृष्टि कल्याण के लिए आप ही ने तो देवासुरों को समुद्र मंथन की प्रेरणा दी है, परंतु इस समय ऐसा लग रहा है कि असुरों के हाथ अमृत लग जाने के कारण सृष्टि के कल्याण की जगह विनाश हो जाएगा माता। अब केवल आप ही इस अनर्थ को रोक सकती हैं। हाँ मातेश्वरी, हाँ। क्या सोच रही हैं देवी? सृष्टि कल्याण के लिए समुद्र मंथन का प्रारंभ किया गया है, परंतु असुरों के हठधर्मी के कारण सृष्टि का विनाश सामने आ रहा है। देवगण और असुर दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। अमृत असुरों के पास है और देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि असुरों से अमृत छीन सके। असुरी प्रवृत्तियों के स्वामी ये असुर यदि अमृत पीकर अमर हो गए तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर आप क्या चाहती हैं देवी? मैं ये चाहती हूँ कि आप ही इस संहार को रोकें। जब कभी शक्ति काम नहीं आती है तो ऐसे में कभी कभी त्रिया चरित्र काम आ जाता है। त्रिया चरित्र? हाँ देवी, नारी का सौंदर्य उसकी चालाकी समस्या का समाधान कर देते हैं। वो कैसे प्रभु, जरा विस्तार से समझाइए। देवी, यदि हमारे पास आप जैसी मोहिनी सूरत होती तो हम असुरों को ऐसा मोहित करते कि वो अमृत और अमृतत्व का चक्र भूलकर हमारी मोहिनी सूरत पर मर मिटते और संसार में नरसंहार रुक जाता। लगता है भगवान संहार के इस भयानक खेल को हास्य रूप के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। हाँ देवी अवश्य, लेकिन आपके जैसी मोहिनी सूरत लाएं कहां से? अन्यथा ये खेल हम अवश्य खेलते, जिससे संसार में प्यार बढ़ता और संहार कम हो जाता। यदि सचमुच ही आप ये अनोखा खेल खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको परम मोहिनी रूप देकर अवश्य ही आपकी सहायता कर सकती हूँ। संसार के इतिहास में याद रहेगा कि भगवान ने भयंकर नर संहार रोकने के लिए नारी का अवतार भी लिया था। बताइए भगवान, खेलेंगे ये खेल? हाँ देवी अवश्य, जिस खेल से संसार में प्यार ही प्यार बढ़े और संहार रुके वो खेल हम अवश्य खेलेंगे। हाँ, अपने कृष्ण अवतार में तो आप प्रेम रस को संसार में फैलाने ही वाले हैं, इसलिए प्रेम का खेल आपको अच्छा लगेगा। परंतु इस समय प्रेम के इस खेल में आपको किसी पुरुष का नहीं नारी का रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए बताइए, आप असुरों को अपने रूप सौंदर्य से मोहित करने के लिए क्या हाव-भाव दिखाएंगे? बताइए देवी, क्या रूप देखना चाहेंगी आप? किसी चंचल नारी की चाल चलकर दिखाइए। अवश्य।
प्रभु, आप तो पुरुषों की चाल चलने लगे। यदि ऐसा ही व्यवहार असुरों के सामने किया तो नाटक तो हो चुका। दीदी, ये नाटक मुझसे नहीं होगा। प्रभु, औरत बनना इतना आसान नहीं है। अच्छा, और क्या? अच्छा, अब पुरुषों के हाव भाव छोड़िए और नारियों के लटके झटके दिखाइए। देवी, अगर सुर ताल हो तो स्त्रियों के हाव भाव बनाना और भी आसान हो जाएगा। ये ठीक था ना देवी? प्रभु, लगता है आप क्रीड़ा कर रहे थे। आपको तो नृत्य के अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, आपने हमें किसी योग्य तो समझा। प्रभु, आपकी इस योग्यता की वास्तविक परीक्षा तो असुरों के सामने होगी। देवी, मोहिनी रूप तो प्रदान कीजिए, फिर देखिए हमारी लीला। जो आज्ञा। भगवान, कैसा लग रहा है नारी के रूप में? एकदम अटपटा सा लग रहा है। पता नहीं ये नारियां इतने आभूषणों का बोझ उठाए क्यों फिरती है। अच्छा, अब जाइए, देर हो रही है। ठीक है। थोड़ा रुकिए तो। अपनी आवाज तो बदलिए। मोहिनी क्या भगवान विष्णु के कंठ से बोलेगी? वो तो मैं आपके सामने था इसलिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अर्थात चलती हूँ। तो सौंदर्य समुद्र से निकल रहा था और अब आकाश से उतरने लगा है। हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे मनमोहिनी, तुमने तो एक ही कटाक से हमारा मन मोह लिया है। क्या तुम हमें अपना परिचय नहीं दोगी? मुझे जानकर भी आप मेरा नाम पूछ रहे हैं असुरराज? मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ असुरराज, तभी तो आपने मुझे मनमोहिनी कहा।
मैं मनमोहिनी हूँ। असुरेश्वर, उससे पूछिए तो, क्या वो हमारे साथ असुर लोक जाएगी? तब तो पुरुषार्थ और सौंदर्य का संगम होगा। परंतु मुझे तो इस संगम की संभावना नहीं दिखाई दे रही है असुरराज। क्यों सुंदरी? क्योंकि यहाँ तो देवासुर संग्राम चल रहा है। पता नहीं कितने युगों तक ये संग्राम चलता रहेगा। फिर आपको मुझे असुरलोक ले जाने का अवसर ही कहाँ मिलेगा? ठहरो मनमोहिनी, तुम हमारा मन मोहकर इस तरह नहीं जा सकती। मुझे रोकने का कोई लाभ नहीं, आप युद्ध कीजिए। हम तुम्हारे लिए युद्ध त्याग सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं असुरराज। मैं जानती हूँ कि आप असुर लोग युद्ध प्रेमी हैं, वो किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते। हम तुम्हारे प्रेम के लिए सचमुच अपने युद्ध प्रेम का गला घोट सकते हैं। प्यार भी जताते हो तो हिंसा की भाषा में, परंतु मैं जानती हूँ कि आप और आपके ये असुर मेरे लिए अपने युद्ध प्रेम को नहीं त्याग सकते। तुम्हें हम पर विश्वास क्यों नहीं होता सुंदरी? इसलिए कि आप सब के सब इस तुच्छ अमृत कलश के लिए एक दूसरे का रक्त बहाने पर तुले हैं। वो मेरा मोल क्या जाने। आप तो सौंदर्य और यौवन के अमृत रस से छलकता हुआ वो स्वर्ण कलश है जिसे पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आपके सामने इस अमृत कलश का मोल ही क्या? यदि आप मुझ पर इतने मोहित हो गए हैं और मुझसे इतना प्यार करने लगे हैं, तो फिर इस घातक तलवार को अब तक अपनी बाहों में क्यों उठाए हुए हैं? तुम्हें यदि तलवार, शस्त्र और युद्ध से इतनी ही घृणा है, तो मेरे साथ सभी असुर शस्त्र त्याग करते हैं। हाँ हाँ, हम शस्त्र त्याग करते हैं। शस्त्र तो हमने फेंक दिए, अब और कोई आज्ञा? मेरी आज्ञा मानोगी? हर आज्ञा मानेंगे, आदेश देकर तो देखो। जिस अमरता के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, उस अमृत का देवताओं के साथ बंटवारा कर लो। जानती थी कि आपको मेरी इच्छा से अधिक यह अमृत प्यारा है। यदि आपको मुझसे अधिक यह अमृत प्यारा है, तो लो इसे और मुझे जाने दो। नहीं नहीं, हम आपको इस तुच्छ अमृत के लिए खोना नहीं चाहते। यदि आप मुझे अपने साथ असुर लोक ले जाना चाहते हैं, तो लाइए इस निगोड़े अमृत कलश को। मैं इसे अपने हाथों से देवता और असुरों में बांट दूं, ताकि झगड़े की जड़ ही शेष न रहे। हे असुरराज, यदि अमृत रस इस मोहिनी के हाथों से पीने को मिल जाए, तो अमृत रस का स्वाद सैकड़ों गुना मधुर हो जाएगा। वाह, क्या सुंदर सुझाव है। हे मनमोहिनी, इस तुच्छ अमृत को अपने हाथों से पिलाकर
इसका सम्मान बढ़ा दो और सबको रसमग्न कर दो। हे असुरराज, यह सुंदरी अचानक आकाश से उतरी है और हमें मोहित करके रख दिया है। हम इसे जानते तक नहीं है और फिर भी आप इस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं? बकवास बंद करो राहु। परंतु असुरेश्वर, अपनी जिह्वा को लगाम दो। हे मनमोहिनी, अब कोई विवाद नहीं रहा, अब तो अमृत पिला दो हम सबको। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा असुरराज। अब यदि तुम हमारे प्राण भी ले लो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अर्थात आपने मुझे अभयदान प्रदान किया? हाँ, निसंदेह। तुम्हारे प्राण तो अब हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है। मेरे हाथों किसी को कम या अधिक अमृत मिला तो? हम कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर मैं आरंभ करती हूँ, तैयार हो जाइए। हाँ, अमृत पीने को भी और तुम्हें असुरलोक ले जाने को भी। सौंदर्य की भांति तुम्हारे हाथों में भी जादू है। सौंदर्य का नशा तो तुम्हें देखते ही चढ़ गया था और अब अमृत का नशा पीते ही हो गया है। अमृत का नशा चढ़ गया? हाँ मोहिनी, हमारी तो आंखें और चित्त सब रसमग्न हो गए हैं।
ऐसा नशा ना पहले कभी देखा था और न कभी चखा था। वाह मोहिनी वाह, तुम्हारी आंखों की सौगंध, यदि तुम अमृत पिलाने के बदले नजर भर कर देख लो तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। असुरेश्वर, ये अमृत नहीं, अवश्य मदिरा है। क्या हुआ राहु, तुम्हें अमृत नहीं मिला क्या? ये असुरराज, ये अमृत नहीं है, मदिरा है, मदिरा। कदाचित तुमने अमृत अधिक पी लिया है, इसलिए तुम्हें अधिक नशा हो गया है। बस नशा केवल मुझे नहीं हुआ है, इसलिए कि मैंने वो मदिरा नहीं पी है जो मोहिनी ने सबको अमृत के नाम पर पिलाई है, और सारे असुर नशे में धुत पड़े हुए हैं। देखा असुरराज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे इस झमेले में मत फंसाओ। मुझ पर शंका? ये मेरा अपमान है असुरराज, मैंने ही पिलाती अमृत वमृत। नहीं मोहिनी, अमृत तो तुम ही पिलाओगी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। सचमुच ही इस मोहिनी ने असुरराज को सम्मोहित कर दिया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो अमृत और मदिरा के अंतर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये मोहिनी असुरों के साथ छल कर रही है, उन्हें अमृत से वंचित रख रही है, परंतु ये मोहिनी वास्तव में है कौन? यदि मैंने अपनी माता की, अपने गुरुओं की सेवा संपूर्ण समर्पण की भावना से की है, उनकी हर आज्ञा का पालन किया है, यदि मैंने भगवान शिव शंकर की भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, तो मुझे मोहिनी के मूल रूप के दर्शन हैं। देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, अब मुझे भी छल से ही काम लेना होगा। मैं भोलेनाथ की तरह मायापति नहीं हूँ, परंतु महा मायावी अवश्य हूँ। यदि विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर सकता है, तो मैं भी देवताओं का रूप धारण कर सकता हूँ। ठहरो, ये देवता नहीं असुर है, इसे अमृत मत पिलाओ। सुदर्शन चक्र, असुरराज, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा संदेह ठीक ही था असुरराज, आपने अमृत नहीं पिया, धोखा खाया है, धोखा। विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मुझे बचाइए असुरराज। असुरराज, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था,
परंतु आपने मेरी एक न सुनी। असुर राज, देखिए मेरा सर कटने के बाद भी मैं जीवित हूँ। क्योंकि मैंने अमृत प्राशन किया है, मैं अमर हो गया हूँ। मेरा सर धड़ से अलग हो गया है, फिर भी मैं जीवित हूँ। चंद्रदेव, तुम्हारे कारण विष्णु ने मेरा सर धड़ से अलग किया है, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। आक्रमण! मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो। नहीं, हम चंद्रदेव के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। ये कदापि नहीं हो सकता। चंद्रदेव के साथ मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में प्रवेश करने नहीं दूंगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम स्वर्ग के द्वार से हटते हो या नहीं? मैं भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम अपने आप को मेरे हवाले करते हो या नहीं। वायुदेव, इस उन्मत्त राहु के अस्तित्व को नष्ट कर दो। अग्निदेव, इसे नष्ट कर दो। चंद्र, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी मेरा अस्तित्व नहीं मिटा सका। फिर तुम्हारा अस्त्र मेरा नाश कैसे कर सकता है? अपनी अंटी में इसे रख लो। यह मेरा विनाश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरा विनाश। मेरा विनाश असंभव है, असंभव। मैं अमर हूं, अमर हूं मैं। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, मेरी शत्रुता केवल चंद्रदेव से है, जिसके कारण मेरा सर हर से अलग हो गया है। मुझे चंद्रदेव दे दो, बस। Yeah.
कहाँ गया? भागो! भगवान बचाइए, बचाइए भगवान, बचाइए भगवान, बचाइए मुझे, बचाइए, बचाइए भगवान, बचाइए, बचाइए भगवान, बचाइए, बचाइए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बचाओ, मुझे बचाओ भगवान। मैं तुम्हें खा जाऊंगा चंद्रदेव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं चंद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं चंद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं चंद्र को नहीं छोड़ूंगा। वाह क्या बात है, आज सभी देवगण, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव शंकर ने क्षीर सागर में पधारकर इसकी तो गरिमा ही बढ़ा दी है। सचमुच आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली है। भगवान आज आपने पहली बार किसी नारी का अवतार धारण किया था, ऐसा तो युगों युगों में कभी नहीं हुआ। प्रभु आपने अपना मोहिनी रूप दिखाकर सभी को मोहित कर दिया था। हे शेषशायी, हम तो समुद्र मंथन के समय असमंजस में पड़े थे, इसलिए पूर्ण श्रद्धा से आपके उस मनमोहन रूप के दर्शन नहीं कर सके। हे भगवान, हम आपके उस शीतल रूप के दर्शन फिर करना चाहते हैं। उसकी शीतलता और ठंडक से अपने अंतर की अग्नि को बुझाना चाहते हैं। भगवान आपने तो मोहिनी का रूप असुरों को अमृत से वंचित रखने के लिए धारण किया था, परंतु देवगणों और हम सबों को उस अमृत से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? प्रभु कल्पवृक्ष की भांति इन सबकी इच्छाओं को साकार कीजिए, ताकि ये सब आपकी उस मनमोहिनी छवि को अपने मन मंदिर में सजाकर सदा उसके दर्शन कर सके। भगवान अपने उस मनमोहन रूप के अमृत की वर्षा कीजिए, क्योंकि हम नारी के रूप में आपके उस अवतार के फिर कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। हे त्रिनेत्रधारी, मन मोहिनी का वो रूप केवल मेरा ही नहीं था, वो तो आपका भी था, देवी पार्वती का भी था और देवी लक्ष्मी का भी रूप था। प्रभु वो रूप जिसे आप मेरा रूप कह रहे हैं, हम सबका रूप कह रहे हैं, वास्तव में वो रूप उसी निरंतर दिव्य प्रकाश स्रोत का एक झरना था, वही आदि दिव्य प्रकाश जिसने आदि पुरुष आदि नारायण का रूप धारण किया और फिर वही दिव्य रूप बैठकर सभी देवी देवताओं के स्वरूप में ढल गया। देवी लक्ष्मी आपका कथन सत्य है, वो आदि प्रकाश हम सबके अंतर में स्थित है और जब वो दिव्य प्रकाश हम अपने अंतर से बाहर निकालते हैं तो उसका प्रभाव हर हृदय को मोह लेता है। वाह प्रभु वाह, आपने क्या सुंदर व्याख्या की है दिव्य आदि पुरुष की, वाह धन्य है आप प्रभु। भगवान नारी के रूप में आपका मोहिनी अवतार इतना अकस्मात और अल्प समय के लिए था कि हम में से कोई भी उस आकार की आरती तक नहीं उतार सका। हाँ भगवान, फिर हम इस अवतार को देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप हमें अपने मोहिनी अवतार के दर्शन कराइए, ताकि हम इसकी आरती उतार कर अपनी श्रद्धा और भक्ति की भावना को संतुष्ट कर सकें। हाँ हम सबको उस मोहिनी रूप के फिर से दर्शन कराइए। हम सबको उस मोहिनी रूप के फिर दर्शन कराइए।